कुजूर इलेक्ट्रिकल्स में आपका प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे टेबल फैन वाइंडिंग डाटा के बारे में। आप कौन कौन सा वायर चूज करके टेबल फैन को वाइंडिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई सा भी कंपनी का हो, हर एक फैन में सबसे ज़्यादा वाइंडिंग कनेक्शन इसी प्रकार का होता है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं यदि आपको कनेक्शन करना नहीं आता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि टेबल फैन को वाइंडिंग कैसे की जाती है। वाइंडिंग एक प्रकार से नहीं, टेबल फैन को तीन प्रकार से वाइंडिंग की जाती है, पर बेसिकली सबसे ज़्यादा वाइंडिंग यही होता है। तो आज हम लोग बात करते हैं, चलिए, डाटा के बारे में। यदि आपके पास 36 नंबर का वायर नहीं है, तो आप 37 नंबर वायर से भी वाइंडिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास 37 नंबर का भी वायर नहीं है, तो आप 35 नंबर वायर से भी वाइंडिंग कर सकते हैं। यह 100% वर्क करेगा। चलिए हम लोग डाटा के बारे में भी बात करते हैं कि रनिंग में कितना टर्न्स देना चाहिए और स्टार्टिंग में कितना टर्न्स, और रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल में क्या डिफरेंट है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यदि आपके पास 35 नंबर का वायर अवेलेबल है, तो आप रनिंग में 690 टर्न्स और स्टार्टिंग में 660 टर्न्स देके फैन को 100% वर्क करा सकते हैं। उसी प्रकार 36 और 37 से भी आप वाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको एक डाटा और अलग से दिखाई दे रहा होगा, 37 नंबर से 700 टर्न्स और 670 टर्न्स, ये उस फैन का डाटा है जिस फैन का वाइंडिंग स्लॉट कम होता है, मतलब उसका गड्ढा कम रहता है जिसके वजह से उसमें वायर पूरा भर जाता है। तो उस वैसे फैन को आप कौन सा वायर से वाइंडिंग कर सकते हैं, वैसे फैन को आप 37 नंबर वायर से रनिंग में 700 टर्न्स और स्टार्टिंग में 670 टर्न्स दे के आप उसे वाइंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसका फर्मा कैसे बनाया जाता है ताकि आपका कोयल का साइज सटीक हो, आप कौन कौन सा चीज़ से कोयल बना सकते हैं। तो पहले हम लोग कंडेंसर के बारे में बात कर लेते हैं कि टेबल फैन में यदि आप इस डाटा को यूज कर रहे हैं, इसमें से चारों डाटा में से कोई भी डाटा आप यूज कर रहे हैं, तो आपको कौन सा कंडेंसर यूज करना चाहिए। आप 2 MFD से लेकर 2.50 MFD तक का कंडेंसर यूज कर सकते हैं। 3.15 कंडेंसर उस फैन में यूज किया जाता है जिस फैन का स्पीड कम हो, उस फैन को स्पीड बढ़ाने के लिए 3.15 MFD कंडेंसर यूज किया जाता है। MFD का फुल फॉर्म माइक्रो फराड होता है, ये चीज़ आपको जानना बेसिक ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कनेक्शन के बारे में। देखिए, ऊपर वाला रेड कलर का जो है ये रनिंग कोयल है, और नीचे वाला जो है ये स्टार्टिंग कोयल है। रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल में क्या डिफरेंट पाया जाता है, देखिए, रनिंग कोयल में टर्न्स ज़्यादा होता है और स्टार्टिंग कोयल में टर्न्स कम होता है, इन दोनों में यही डिफरेंट है। और एक डिफरेंट है, देखिए, रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा कॉमन, इसमें कंडेंसर का कोई कनेक्शन नहीं होता है। और टेबल फैन या सेलिंग फैन में कौन सा कंडेंसर यूज होता है, AC कंडेंसर, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, आप उल्टा सीधा या सीधा उल्टा कुछ भी जोड़ सकते हैं। प्लस माइनस उस कंडेंसर में होता है जिस कंडेंसर में DC करंट पाया जाता है। देखिए, दोनों लीड को आप आपस में शॉर्ट कर दीजिएगा तो वो बन जाएगा कॉमन, और उसके बाद आपके पास बच जा रहा है कि स्टार्टिंग कोयल का लीड और एक रनिंग कोयल का लीड, ये दोनों लीड आपके पास कंडेंसर की ओर चला जाएगा। कंडेंसर में जाने के बाद आपको लाइन देना है रनिंग कोयल में और कॉमन में। अब यदि आप दोनों में लाइन देते हैं तो आपका फैन का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट दिशा की ओर है, तो समझ जाइए कि आपका फैन उल्टा घूम रहा है। तो उस दिशा को कैसे चेंज करें कि लेफ्ट से राइट दिशा की ओर चले, तो देखिए, वो नॉर्मल सा कनेक्शन है जिसको आप कंडेंसर में जोड़े हैं उसको वहाँ से आप हटा दीजिए, और जिसको आप कॉमन लीड बनाए हैं उसको वहाँ से आप हटा दीजिए। देखिए, दोनों कनेक्शन अलग अलग हो गया। अब जिसको आप कॉमन में जोड़े थे उसको आप कंडेंसर में ले जाइए, और जिसको आप कंडेंसर में जोड़े थे उसको आप कॉमन में ले जाइए। आपका फैन का डायरेक्शन लेफ्ट दिशा से राइट दिशा की ओर घूमना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टेबल फैन को हम लोग अलग तरीके से कैसे वाइंडिंग कर सकते हैं। आप टेबल फैन को एक प्रकार से नहीं, तीन प्रकार से वाइंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।